अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। किसी किस्म का भी दुख अल्लाह ताला आपको ना पहुंचाए, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़। क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़ जो है आपके पास टोटल 13 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है? अ राइट एंगल इज इक्वल टू, एक कायमतुल जाविया मुसल्लस होती है हमारे पास 90 मिनट्स के, 90 सेकंड्स के, 90 मिनट्स के, 90 डिग्री के, या फिर 60 मिनट्स के। ये आप सब दोस्तों को, सब स्टूडेंट्स को, सब लड़कियों को, सब लड़कों को तो पता ही होगा, जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का ये जो एंगल अगर 90 डिग्री का है, देन ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। क्या है? अगर ये 90 डिग्री का है तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास सी वाला। द 16th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू, द 16th पार्ट, 60वां हिस्सा ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेकंड के इक्वल होता है, रेडियन के इक्वल होता है, डिग्री के इक्वल होता है, या मिनट्स के इक्वल होता है। द 16th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, द 16th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है? अगर मैं आपको ये डिटेल में समझा दूं, आपको पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन जब होती है किसी भी सर्कल में, अगर मैं यहां पे एक सर्कल बना दूं, यहां पे अगर मैं एक सर्कल बना दूं, ठीक है, यहां पे ये यू यू, ठीक है, जब आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन होती है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। 1 डिग्री किसके इक्वल होती है? 60 मिनट्स के। मिनट में हम एक स्लैश लगाते हैं, और अगर हम 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स में, सेकेंड्स में हमारे पास दो बार्स आती हैं और मिनट्स में हमारे पास सिर्फ वन स्लैश आती है, ठीक है। आप देखें 16th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री में हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं? 60 के, यानी कि एक डिग्री होगी तो वो 16th पार्ट होगा, यानी कि मिनट आएगा इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा? मिनट्स। 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होती है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। सबसे पहले देखें एंटी क्लॉकवाइज क्या है और क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे पास क्या होती है। अगर मैं आपको जल्दी से समझा दूं, एक होता है ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेंट, एक अगर हम इसी तरह का एक और क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें जब हम इस तरह जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब हम इस तरह मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज की सिमत में, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। इसको हम क्या कहते हैं जी? क्लॉकवाइज। एक हो गया आपके पास एंटी क्लॉकवाइज और एक हो गया आपके पास क्लॉकवाइज। यहां पे क्या होता है? 0 डिग्री। यहां पे क्या होता है? 90 डिग्री। यहां पे क्या होता है आपके पास? 180 डिग्री। और यहां पे क्या होता है? 270 डिग्री। और यहां पे क्या होता है? 360 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सिम में। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो यहां पे हमारे पास 0 डिग्री, यहां पे -90 डिग्री, यहां पे -180 डिग्री, यहां पे होता है हमारे पास -270 डिग्री, और यहां पे हमारे पास होता है -360 डिग्री। अगर हम रेडियन में भी अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पे क्या होता है? पाई बाय 2 रेडियन, यहां पे क्या होता है? पाई रेडियन, यहां पे होता है 3 पाई बाय 2 रेडियन, यहां पे होता है 2 पाई, यहां पे क्या होता है? -2 पाई बाय 2 रेडियन, यहां पे होता है माइनस पाई, यहां पे होता है -3 पाई बाय 2, और यहां पे क्या होता है? 2 -2 पाई। अब वो बात ही जब एंटी क्लॉकवाइज की कर रहे हैं, जब वो बात ही एंटी क्लॉकवाइज की कर रहे हैं, तो हमारे पास एंड 1/4 रोटेशन हमारे पास फिर क्या होगी? 90 डिग्री। थीटा रेडियन इज मेजर्ड, थीटा रेडियन को हम किस में मेजर करते हैं? सेक्सागेसिमल में करते हैं, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम में करते हैं, इंग्लिश सिस्टम में करते हैं, या फिर सर्कुलर सिस्टम में करते हैं। याद रखें हमारे पास दो सिस्टम है, हमारे पास दो सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए। एक है सेक्सागेसिमल सिस्टम जो आपकी बुक में यूज हुआ है, और एक हुआ है सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम तब यूज करते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, सेक्सागेसिमल सिस्टम हम तब यूज करते हैं जब हम बात कर रहे हैं किसमें? डिग्रीज की बात कर रहे हैं, मिनट्स की बात कर रहे हैं, सेकेंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
DMS सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड अ सेक्सागेसिमल सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में हम ग्रेड सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलर सिस्टम में हम किसकी बात करते हैं, थीटा रेडियन की बात करते हैं। ठीक है, जब हम रेडियन में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम सर्कुलर सिस्टम में बात कर रहे हैं। इन टू आवर्स, दो घंटों में, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न एन एंगल, कितने एंगल बनाती है दो घंटे में, पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 4 या फिर पाई बाय 2। सबसे पहले देखें, 2 आवर्स का बताना है ना हमने जस्ट इसको 2 आवर्स का बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए यार, आपको पता होना चाहिए 2 पाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 360 डिग्री। 2 पाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री। यहां पे आपने जस्ट क्या करना है, 2 पाई और टोटल आवर्स हमारे पास, यानी कि हमारे पास जब एक कंप्लीट रोटेशन एक आवर में होती है, ये देखें अगर मैं आपके सामने एक घड़ी बना दूं, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखें जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है ना एक वॉच में, जब एक कंप्लीट रोटेशन होती है एक वॉच में, तो वो किसके इक्वल होता है, 12 आवर्स। किसके इक्वल होता है, 12 आवर्स। किसके इक्वल होता है, 12 आवर्स के। तो 2 पाई को आप मल्टीप्लाई कर दें 12 आवर को, और हमने कितना बताना है, 2, दो घंटों का बताना है ना। तो यहां पे इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2 1 द 2 1 द 2 2 6 द 2 1 द 2 2 3 द, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ -330 डिग्री आर सेम, हमारे पास क्या होती है, 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, या फिर 90 डिग्री होता है। सबसे पहले देखें, अगर आपने 9.3 नहीं की हुई तो ये इस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आनी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब तक आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट नहीं ना होंगी यार, आपके ये MCQs कंप्लीट नहीं हो सकते। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं। 9. अगर आप निकालते हैं ना 9.3, हाँ जी, ये देख सकते हैं 9.3 का 309 का पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट 2 है। अगर आपने इसको डिटेल में समझना है, 9.3 को डिटेल में समझना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से करना है। अगर आप YouTube पर जाते हैं तो YouTube पर ये देख सकते हैं आप। अगर आपने हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको चैप्टर नंबर 9 की सारी वीडियोज मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 9 की सारी लेक्चर्स की वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें ये देख सकते हैं आप। 9. इधर आ जाएगा, 9. क्या आ जाएगा, ये देखें, ये यार ये मैंने बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, YouTube पर हाफ लेक्चर्स होते हैं, अगर आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए चैप्टर नंबर 9 के, ये देख सकते हैं आप। 9.3 के ये देखें, चैप्टर नंबर 5, ये 21-21 20-20 मिनट के आपको मैंने आधे आधे घंटे का लेक्चर समझाया हुआ है। ठीक है, और यहां से अगर आप तैयारी करते हैं तो यार यू विल गेन 100 out of 100 मार्क्स इन मैथ्स क्लास। यहां पे आपको कंप्लीट वीडियोस नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप ये ड्राइव से करते हैं, अगर आप ये ड्राइव से करते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, तो आपके 100% मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपने ड्राइव को अपने व्हाट्सएप पर कैसे मंगवाना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फिर हमारे पास होगा 30 डिग्री। 2 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियन। अब देखें, अब हमने इसका आंसर हमारे पास किस में लेके जाना है, अब हमने इसका आंसर डिग्री में लेके जाना है। इसका हमने आंसर किस में लेके जाना है, डिग्री में लेके जाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 150 डिग्री, 130 डिग्री, 270 डिग्री या 120 डिग्री। जस्ट आपने क्या करना है, रेडियन वो मैंने आपको बताया था ना कि 2 पाई इज इक्वल टू किसके होता है, 360 डिग्री के। अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हम ऐसा करते हैं 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू आ जाएगा 180। यहां से अगर हमने 1 डिग्री फाइंड करना है तो यहां से आपने क्या करना है, 1 डिग्री यहां पे 180 मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वालिटी के, तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हो गया, ये वाला पाई ओवर 180 डिग्री। लेकिन याद रहे कि अगर आपको 1 रेडियन चाहिए, यहीं से अगर हम 1 रेडियन का ही फार्मूला निकाल लेते हैं तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, याद रखें वो होता है 180 ओवर पाई रेडियन। ठीक है, ये दो फार्मूले यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने किसी रजिस्टर पे लाजमी लिखना है। अब देखें, उन्होंने हमसे क्या पूछा था, 2 पाई बाय 3 रेडियन, और हमने जाना किस में था, डिग्री में। तो डिग्री में जाने के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, रेडियन में जाने के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या था, 2 पाई बाय 3 को मल्टीप्लाई कर दें रेडियन वाले, सॉरी रेडियन के फार्मूले में, 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल, 3 वन टाइम, 3 सिक्स टाइम, तो आंसर इसका आपके पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास फिर शहजादो 120 डिग्री। 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.175 रेडियन और पाई रेडियन। अब देखें, अब आपने क्या करना है, 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है ना, आपने जस्ट क्या करना है, इस पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.1416/180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास ये वाली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, सी वाला, 3π/10 रेडियन इज इक्वल टू 3π/10 रेडियन इज इक्वल टू किसके है, 110 डिग्री के, 130 डिग्री के, 45 डिग्री के या 54 डिग्री के। यहां पे भी जस्ट आपने क्या करना है, 3π/10 को मल्टीप्लाई करवा देना है 180 डिग्री ओवर पाई से कैंसिल हो गया, इधर क्या आ जाएगा, जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शहजादो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 54 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू, अभी हमने डिस्कशन की थी 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 1 रेडियन, पाई ओवर 180 रेडियन के, 180 ओवर पाई के, पाई ओवर 90 के या 360 रेडियन, 3π/360 रेडियन। अभी हमने डिस्कशन की थी जो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, ये देखें 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियन, ये देखें वो क्या, ठीक है, यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा फिर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस भी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी चाहिए, एमसीक्यूज भी चाहिए, एग्जांपल्स भी चाहिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं चैप्टर 9.1 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह आपके पास 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 9.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। यार ये YouTube पर याद रखें, YouTube पर हाफ लेक्चर्स होते हैं मेरे, लेकिन अगर आप इस ड्राइव से अपनी प्रेपरेशन करते हैं तो इस ड्राइव में आपको एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। चैप्टर नंबर 8 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है, 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 देख लें, चैप्टर नंबर 13 में 13.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है। अगर आप ये वाला लिंक, अगर आप ये वाला लिंक लेना चाहते हैं जिसमें एमसीक्यूज़ भी सोल्व हैं, यार चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ सोल्व हैं, विद आंसर्स भी आपको मिल सकते हैं, ये देख सकते हैं विद आंसर्स, अगर आप खुद भी सोल्व करना चाहते हैं विदाउट आंसर्स भी आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एमसीक्यूज़ आपको नहीं समझ आता तो वो वीडियोज भी आप देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 के भी आपको एमसीक्यूज जो मैं ये कर रहा हूँ ये अपलोड हैं, ये देख सकते हैं, विदाउट आंसर्स भी आपको फाइल मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में, विदाउट आंसर भी आपको फाइल मिलेगी पीडीएफ फॉर्म में। अब अगर आप ये वाला लिंक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 300 रुपीज है, फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इन 300 रुपीज में। अभी इस नंबर पे 0323451627 पर आपने सिर्फ जस्ट 300 रुपीज का जैस कैश करवाना है तो ये जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस होंगी अभी के अभी आपको व्हाट्सएप इस पर इसका लिंक भेज दिया जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.296 डिग्री, 57 डिग्री, 56 डिग्री या फिर 0.175 डिग्री। यार अगर मैं ये आपको एक मिनट में समझा दूं ना तो 2π किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहां से क्या करना है, अगर हम इन दोनों को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई ओवर 180 डिग्री, ठीक है। अगर हमने यहां से 180 रेडियन फाइंड करना है तो 180 रेडियन डिग्री ओवर पाई, 180 रेडियन, जब आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे ना 3.1416 जो कैलकुलेटर इसका जो आंसर आपको देगा वो क्या देगा, 57.296 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शहजादो आपके पास क्या होगा, 57.296। यार ये याद रखें, जो ये मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं अगर आप यहां से प्रेपरेशन करते हैं ना तो इंशाल्लाह यू विल गेन 20 out of 20 marks इन बोर्ड एग्जाम्स। बाद में ना कहना कि मैंने बताया नहीं आपको। 5π/4 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 335 डिग्री, 270 डिग्री या 225 डिग्री। इसको शहजादो अब आपने खुद सोल्व करना है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास डी वाला।
पाई ओवर टू इज इक्वल टू, पाई ओवर टू इज इक्वल टू अक्यूट एंगल होता है, अबट्यूज एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है या क्वाड्रेंट एंगल होता है। याद रखें अक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, ओ बी टी यू एस सी, ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे होते हैं जो 180 से छोटे होते हैं, स्ट्रेट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 180 डिग्री होते हैं या फिर हमारे पास 360 डिग्री होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो 90 के मल्टीपल्स होते हैं। तो यहां पे जस्ट उसने क्या पूछा हुआ, पाई ओवर टू इज अ क्वाड्रेंटल एंगल। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आता है ना कि आपके पास जो ये 2 पाई है ये फिर क्या है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, 2 पाई बाय 3 क्या है, ये भी आपके पास एक क्वाड्रेंटल एंगल है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेंटल एंगल। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इफ वर्टेक्स इज, अगर तो इसके वर्टेक्स क्या होंगे, 0-0 होंगे, 1-1 होंगे, 0-1 होंगे या फिर 1-0 होंगे। याद रखें जब भी कोई भी एंगल आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होता है जब उसके वर्टेक्स क्या हो, 0-0। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फिर हमारे पास होगा ए वाला, 1 plus tan square theta इज इक्वल टू cot theta cosec theta secant theta या माइनस secant theta, 1 plus tan square theta ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास sec square theta माइनस tan square theta इज इक्वल टू 0, 1, -1 या फिर 1/2 sec square theta माइनस tan square theta। अगर मैं आपको यहां पे यार आइडेंटिटी लिख दूं तो अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, sec square theta माइनस tan square theta, आपके पास फार्मूला क्या होता है, 1 plus tan square theta इज इक्वल टू sec square theta। अब देखें यहां पे आपके पास ये माइनस में है, यहां पे आपके पास ये माइनस में है, जब हम इस वैल्यू को इक्वालिटी के उधर शिफ्ट करेंगे तो वहां पे हमारे पास माइनस में हो जाएगा ना, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो शहजादों के आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 1। याद रखें ये जो MCQs है ये हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs है, अगर आप यहां से तैयारी करते हैं तो MCQs इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बोर्ड में भी इधर से ही आना है। अगर आप दोस्तों को, अगर मेरी कंप्लीट वीडियोस का नहीं पता कि हम कंप्लीट वीडियोस कैसे ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए मैं आपको दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 9 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, 9.2 आप देख लें, 9.3 आप देख लें, इसी तरह 11 चैप्टर देख लें, ये 11 चैप्टर की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं विद MCQs अवेलेबल हैं। अगर इसी तरह अगर आपको 12 चैप्टर चाहिए, अगर आपको 12 चैप्टर चाहिए 12.8 की भी कंप्लीट वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल 12.2 भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, जिससे आप 100 out of 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसी तरह 12.4 भी चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगी, 12.5 भी अगर आपको चाहिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कंप्लीट की कंप्लीट कोर्स चाहिए फर्स्ट ईयर का, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, MCQs चाहिए, सारा कुछ आपको आपके व्हाट्सएप पर अभी के अभी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जस्ट क्या करना है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट मैथ बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अगर आपको चाहिए सिर्फ 300 रुपीज में, आपने क्या करना है, इस नंबर पर 0323451627 पर जैस कैश करवाना है और व्हाट्सएप पर यह लिंक हासिल करना है। ये जो ओपन लिंक है ना चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस विद MCQs, तो आपको ये वाला लिंक आपको अभी के अभी आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जिससे आप 100 out of 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप YouTube से देखें तो YouTube पर आपको हाफ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन इस ड्राइव में आपको देखें तो आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी सिर्फ 300 रुपीज में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब करें, अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।